12 मई 2020 शाम 8 बजे भारत की राजधानी नई दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में स्थित पलम एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के दो IL-76 विमानों को एक सैन्य इकाई के लिए आवश्यक सामग्री के साथ असम के चबुआ एयरबेस के लिए उड़ान भरनी थी। इन विमानों को इसलिए भी खास सुरक्षा में रखा गया था क्योंकि कुछ दिन पहले ही लद्दाख के गालवान घाटी में भारत और चीन के बीच टकराव हुआ था और दोनों देश सीमा पर अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहे थे। इन विमानों में भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण आधुनिक उपकरण और हथियार थे, इसलिए वायुसेना के गरुड़ कमांडो यूनिट को इन विमानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। अचानक चार हरे रंग के मिलिट्री बसें तेजी से टर्मिनल की ओर बढ़ी और उनमें से सैनिक तेजी से उतरकर हथियारों के साथ IL-76 विमानों की ओर मार्च करने लगे। सैनिक जल्दी से विमान में सवार हो गए और कुछ ही मिनटों में विमान चबुआ की ओर उड़ान भर गए। हालांकि उन विमानों में केवल सामान्य हथियार और उपकरण ही नहीं थे, भारत की सामरिक परमाणु क्षमता और उन हथियारों को संचालित करने वाली विशेष सेना भी उन विमानों में थी। इस गुप्त मिशन की जानकारी केवल कुछ उच्च सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों को ही थी। यह मिशन उन विशेष बलों की तैनाती के लिए था जिन्हें शत्रु क्षेत्रों के पास रणनीतिक रूप से तैनात किया जाना था। भारत की सामरिक परमाणु शक्ति, जिसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड SFC कहा जाता है, वही सेना थी जिसे इस मिशन के तहत भेजा गया था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों द्वारा इस SFC को भारत के परमाणु हथियारों की संरक्षक सेना के रूप में देखा जाता है, जो लगभग 1000 से अधिक गुप्त परमाणु हथियारों का प्रबंधन करती। इस नए वीडियो में हम इसी अत्याधुनिक सेना के बारे में जानेंगे और उन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने भारत को इस सामरिक सेना को बनाने के लिए प्रेरित किया। 11 और 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत एशिया की दूसरी और दुनिया की छठी घोषित परमाणु शक्ति बन गया। इसके बाद अगले कुछ वर्षों में भारत ने अपने सीमित संख्या में तैयार किए गए परमाणु बमों की देखभाल और उनके लॉन्च की जिम्मेदारी के लिए एक समर्पित सैन्य इकाई की आवश्यकता महसूस की। स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय सशस्त्र बल पारंपरिक हथियारों पर आधारित सुरक्षा सिद्धांत का पालन कर रहे थे। परमाणु हथियारों पर आधारित एक नए सुरक्षा सिद्धांत में बदलाव के जटिल पहलू थे जिनका सामना भारतीय सैन्य नेतृत्व को करना पड़ा। नई परिस्थिति ने भारतीय सेना के सभी मौजूदा हथियारों की देखभाल और संचालन नीतियों में व्यापक बदलाव की आवश्यकता उत्पन्न की। नई दिल्ली ने इसलिए एक विशेषज्ञ सैन्य बल तैयार करने का निर्णय लिया जो इन अत्याधुनिक हथियारों को सुरक्षित रूप से संचालित कर सके। सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक माने जाने वाले परमाणु हथियारों को देश के भीतर गुप्त स्थानों पर सुरक्षित रखना और परमाणु हमले की स्थिति में उन्हें दुश्मनों के खिलाफ सटीकता से लॉन्च करने के लिए प्रशिक्षित बल तैयार करना ही भारत के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का उद्देश्य था। भारत ने इस संदर्भ में शीत युद्ध के समय के 5 प्रमुख परमाणु महाशक्तियों की मिसाल को ध्यान में रखा जिन्होंने अपनी प्रभावी लॉन्चिंग सेनाओं के जरिए इस हथियार प्रणाली को नियंत्रित किया था। इसी विचारधारा के आधार पर 18 दिसंबर 2000 को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को एक ऐसी सेना तैयार करने की सिफारिश की जो जमीन, समुद्र और हवा से दुश्मनों के खिलाफ किसी भी कोने में परमाणु हमला करने में सक्षम हो। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर देश के परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए एक कमांड अथॉरिटी और उनके रखरखाव व प्रक्षेपण के लिए एक अलग मेंटेनेंस एवं डिलीवरी अथॉरिटी की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। इसके तहत इन मामलों के संचालन और निगरानी के लिए प्रसिद्ध सामरिक विशेषज्ञ और भारत के परमाणु सिद्धांत ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में 18 मार्च 2001 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। भारत ने 1998 में अपने सफल परमाणु परीक्षणों के बाद स्पष्ट कर दिया था कि वह केवल अपनी सुरक्षा के लिए सीमित संख्या में परमाणु बमों का भंडार रखेगा और युद्ध की स्थिति में कभी भी पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी स्पष्ट नीति को साकार करने के लिए परमाणु हथियारों की नियंत्रण और प्रक्षेपण अथॉरिटी की स्थापना की योजना बनाई गई। सुब्रह्मण्यम कमेटी ने इस नीति को ध्यान में रखते हुए देश और विदेश के कई रक्षा विशेषज्ञों से परामर्श किया और अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी महाशक्तियों के परमाणु कमांड और फोर्स मॉडल का अध्ययन किया।
महीनों की चर्चा और गहन अध्ययन के बाद जनवरी 2002 में कमेटी ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें भारत के परमाणु हथियारों के नियंत्रण और प्रक्षेपण के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और एक 3 सितारा रैंक के सैन्य अधिकारी की कमान में एक न्यूक्लियर मेंटेनेंस और डिलीवरी अथॉरिटी की स्थापना की सिफारिश की गई। भारत के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और न्यूक्लियर फोर्स को स्थापित करने के लिए डॉक्टर के सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता वाली समिति से स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद भारत सरकार ने अपने परमाणु हथियारों के प्रबंधन के लिए 2 घटक संगठनों की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाए। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने नई दिल्ली में इस प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसमें एक राजनीतिक परिषद का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही एक कार्यकारी परिषद बनाई गई जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करेंगे। यह दोनों परिषदें न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का संचालन करेंगी और इनके निर्देशों के अनुसार 3 सितारा रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष सशस्त्र बल परमाणु हथियारों का प्रबंधन और संचालन करेगा। इन परमाणु हथियारों का लॉन्च बटन अंतिम रूप से दबाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी, जबकि इन्हें लक्ष्यों पर सटीक रूप से दागने की जिम्मेदारी न्यूक्लियर फोर्स कमांडर की होगी। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति CCS में यह निर्णय लिया गया कि भारत के 1969 से 2002 के बीच निर्मित सीमित न्यूक्लियर स्टॉक को ट्रॉम्बे स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की गुप्त भूमिगत इकाइयों से निकालकर वर्ष के अंत तक नई न्यूक्लियर फोर्स को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न सशस्त्र बलों जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना से चुने गए अधिकारियों और सैनिकों को फरवरी 2002 में बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भेजा गया, जहां उन्होंने परमाणु हथियारों को संचालित और प्रबंधित करने के लिए लगभग 9 महीने का तकनीकी और ऑपरेशनल प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण के बाद ये अधिकारी और सैनिक रक्षा मंत्रालय में रिपोर्ट करते हुए भारतीय सेना की 50 से अधिक शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइलों और वायुसेना के लगभग 40 मिराज और जगुआर फाइटर बम्बर्शकों की जिम्मेदारी संभालने लगे। 4 जनवरी 2003 को एयर मार्शल तेज मोहन अस्ताना की कमान में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के रूप में भारत की पहली न्यूक्लियर फोर्स का गठन किया गया। एक समर्पित परमाणु सेना के रूप में भारत के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पूर्ण नियंत्रण के तहत रणनीतिक बल कमान SFC के गठन के बाद 2004 की शुरुआत तक भारतीय सेना और वायुसेना के पास मौजूद 40 से अधिक शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को पूरी तरह से SFC के संरक्षण में सौंप दिया गया। इसके अलावा उसी वर्ष सितंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय नई दिल्ली द्वारा मिराज 2000 जगुआर, Sukhoi-30 MKI जैसे फाइटर बॉम्बर्स के एक स्क्वाड्रन, 18 लड़ाकू विमान को भी SFC को सौंपने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी द्वारा पहचाने गए भारत के कई रणनीतिक शहरों और दूरस्थ स्थानों पर SFC के लिए बेस तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने तेजी से कदम उठाए। SFC में भारत के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्थानों जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BAC और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की गई, ताकि इन परमाणु हथियारों का सुरक्षित संचालन और प्रबंधन किया जा सके। यह टीम सुनिश्चित कर रही थी कि जटिल और अत्यंत खतरनाक परमाणु हथियारों का प्रबंधन और समय पर सटीक लॉन्चिंग सही तरीके से की जाए। इसके परिणामस्वरूप SFC का पहला संयुक्त वायु हमला बल मध्य प्रदेश के महाराजपुर में स्थापित किया गया, जिसमें लगभग 18 मिराज 2000 फाइटर बॉम्बर्स का एक स्क्वाड्रन तैनात किया गया था, जो मुख्यतः पाकिस्तान को लक्ष्य बनाकर रखा गया था। बाद में हरियाणा के अंबाला और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 32 जगुआर और Sukhoi-30 MK फाइटर बॉम्बर्स के 2 अन्य स्क्वाड्रन तैयार किए गए। इन स्क्वाड्रनों को मुख्यतः चीन के खिलाफ तैनात किया गया था, जिससे भारत की SFC ने थल और वायु में अपने परमाणु प्रतिक्रिया बलों की तैनाती को पूरा किया। 2018 में भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को भी SFC में शामिल किया गया, जिसके साथ 700 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली के 15 SLBM मिसाइलें थीं। इस प्रकार भारत ने समुद्र में भी अपनी अंतिम रणनीतिक तैनाती पूरी कर ली। भारत की सामरिक बल कमान SFC वर्तमान में वैश्विक परमाणु सेनाओं की रैंकिंग में 4th स्थान पर है। यह एक अत्यधिक शक्तिशाली परमाणु सेना है, जो थल, जल और वायु से दुश्मनों पर परमाणु हथियारों को दागने में सक्षम है। अपनी त्रिस्तरीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के साथ
SFC किसी भी परमाणु हमले का सामना करने और जवाबी हमला करने में सक्षम है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञों द्वारा अत्याधुनिक परमाणु सेना के रूप में सराहा गया है। त्रिस्तरीय परमाणु प्रतिक्रिया प्रणाली वाले अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की सेनाओं के साथ भारत की SFC भी उसी श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम मानी जाती है। विशेषज्ञ इसके उदाहरण के रूप में SFC के पास मौजूद के 5 परमाणु इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता को दर्शाते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हमला करने के लिए तैयार है। SFC की स्थापना के शुरुआती दिनों में भारत के पास केवल थल और वायु से परमाणु हमला करने की सीमित क्षमता थी, जिससे भारत को अपनी हमलावर क्षमता में कुछ हद तक बाधाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2018 में इंस अरिहंत, जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है, ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ 20 दिनों की सफल गश्त पूरी की। इसके साथ ही SFC ने समुद्र से भी परमाणु हमला करने की पूरी क्षमता प्राप्त कर ली, जिससे भारत के दुश्मनों पर त्रिस्तरीय हमला करने की क्षमता पूरी हो गई। आज भारत की इस सामरिक परमाणु सेना ने अपनी व्यापक हमलावर शक्ति हासिल कर ली है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में स्थित शत्रुओं पर सटीक और प्रभावी परमाणु हमला कर सकती है। जय हिंद।